आगरा आर्थोपेडिक सोसाइटी के बैनर तले रविवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। होटल अमर में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश आर्थोपेडिक एसोसिएशन के तत्वाधान में हिप 360 डिग्री के विषय पर सभी चिकित्सकों ने अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा किए। वहीं इस दौरान दिल्ली, मुंबई समेत आसपास के जिलों से आए करीब 150 विशेषज्ञों ने कार्यशाला में प्रतिभाग किया और कूल्हे के विभिन्न जटिल रोगों एवं खराब फ्रैक्चर पर अपने व्याख्यान दिए। चिकित्सा जगत के क्षेत्र में आने वाली नई तकनीकों को लेकर आपसी विचारों और लोगों को इसकी सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से चिकित्सक शुरुआती दौर से अग्रसर रहे हैं। इस कड़ी में हड्डी रोग विशेषज्ञ रोगियों को बेहतर इलाज देने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इन्हीं नए अनुभवों के विचारों को आपस में साझा करने के उद्देश्य से रविवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के तत्वाधान में हिप 360 डिग्री पर होटल अमर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर संजय प्रकाश, सह अध्यक्ष डॉक्टर अकुल श्रेष्ठ, डॉक्टर अश्विनी सडाना एवं आयोजन सचिव SN मेडिकल कॉलेज आगरा के अस्थि रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमृत गोयल के साथ साथ वर्कशॉप समन्वयक डॉक्टर संजय धवन ने आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। कूल्हा हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट जोड़ है और सबसे बड़ा जोड़ है। इसके चारों तरफ जितनी भी चोटें या बीमारियां उससे संबंधित क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या उसका इलाज है, उसकी लेटेस्ट टेक्निक्स को जानने और समझने के लिए ये एक सिंपोजियम आयोजित किया गया। ये देश की और जो जानी मानी हस्तियां हैं वो सारे सर्जन्स इस पर आके लेक्चर दे रहे हैं और आपस में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जूनियर सर्जन्स या आसपास के जितने भी जिलों के सर्जन्स हैं वो सब इसको अटेंड कर रहे हैं और हमें लगता है कि आज जो डिस्कशन चल रहा है कूल्हे के अराउंड सारी प्रॉब्लम्स को लेके, वो काफ़ी हद तक उसको समझने में हमको आसानी रहेगी। यहाँ पर हमारे साथ देश के पूरे प्रख्यात लोग आए हैं, जिसमें कूल्हे के फ्रैक्चर, कूल्हे का प्रत्यारोपण और कूल्हे में के संबंधित बीमारियों के ऊपर व्याख्यान दिए गए हैं। आज की डेट में हमारे जो लोग हैं उम्र दराज होते जा रहे हैं, गिरने से या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से फ्रैक्चर आ जाते हैं, जिससे हमारे नवयुवक एवं बुज़ुर्ग लोग चलने फिरने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी तकनीक बताई गई हैं जो पहले खिंचाव से 3-4 महीने लोगों को रहना पड़ता था, आज की डेट में हम उसी खिंचाव की जगह ऐसी तकनीक और नए इम्प्लांट से ऑपरेशन करते हैं, जिससे आदमी तुरंत 2-4 दिन 5 दिन में अपने दैनिक कार्य कर सके, थोड़ा वॉकर से चल पड़े और अपने काम पे लग सके। वो बिस्तर पर लेटने वाले कार्यक्रम अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी के ऊपर ये नई टेक्निक के ऊपर ये सारी वर्कशॉप अरेंज की गई है। वहीं इस एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, डॉक्टर अनूप अग्रवाल प्रेसिडेंट UPOA एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, डीन एवं प्रधानाचार्य SN मेडिकल कॉलेज उपस्थित रहे। इसी क्रम में आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कपूर ने बताया कि इस कार्यशाला में मुंबई के डॉक्टर DD तन्ना, डॉक्टर राम चड्डा, नई दिल्ली एम्स के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मैनी सहित पहुँचे तमाम प्रख्यात वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा कूल्हे के विभिन्न जटिल रोगों एवं खराब फ्रैक्चर पर अपने अपने व्याख्यान दिए। साथ ही कार्यशाला में आसपास के जिलों भरतपुर, सैफई, कन्नौज, लखनऊ, अलीगढ़ से एवं देशभर से लगभग 150 अन्य विषय विशेषज्ञों ने कार्यशाला में प्रतिभाग लिया और कूल्हे के ऑपरेशन के बाद लोगों को मिलने वाली नई जिंदगी को लेकर जानकारी दी। मैं आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण कपूर हूँ और आज हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होल्ड करी है। कूल्हे के मैटर में जितना भी कुछ उसके आजू बाजू चाहे बदलाव होना हो, चाहे उसके फ्रैक्चर होने के बाद में जो पुरानी टेक्निक्स को हटा करके जो फेल हो रही हैं उनको नए तरीके के इम्प्लांट्स कैसे लाए जाते हैं, उन सब के बारे में बहुत गहन डिस्कशन हो रहा है। हमारे पास में बहुत बढ़िया स्टार हमारे जो फैकल्टी, जो टीचर्स हैं, जो जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे से डॉक्टर टन्ना जैसे हैं, डॉक्टर राम चड्डा, ये सब बहुत दूर दूर से मुंबई, अहमदाबाद, बहुत दूर से हमारे पास में स्पीकर्स आए। और होता क्या है कि दो किस्म की बातें आजकल ज्वलंत, नंबर एक कि जो फ्रैक्चर होते हैं उनको हम अच्छे से अच्छे कम पैसे में और जल्दी जल्दी आदमी को अपने काम पे वापस कैसे लाएं, ये तो रही बात जवान आदमियों के लिए। देखिए ऐसा, ये बेसिकली जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन जो काफ़ी बढ़ चुका है उसकी वजह से अब एज बढ़ गई है, काफ़ी लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और वो जटिल फ्रैक्चर्स होते हैं, तो वो जटिल फ्रैक्चर फिर उनको ठीक नहीं कर पाते हैं, तो अगर प्रॉपर्ली ठीक नहीं होते तो वो बहुत सफ़र करते हैं।
तो ये जो हम लोगों ने इस पर किया कि वो खासतौर से कूल्हे के पास की हड्डियाँ टूटती हैं, तो ये सिर्फ उसी के अराउंड जितने भी तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं और जो उनकी समस्याएं हैं और क्या है उनका क्या निदान है, ये हमने इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन में पहले डिसाइड किया था। पूरे साल से ये चल रहा है, हर जोन में ये हो रहा है, तो इस जोन में किया गया जिसमें कि आसपास के सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आए हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जिनसे कि जो अब हम ट्रीटमेंट जो नए आ गए हैं जिनसे कि बाकी लोग को हम बताते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या ज़रा सा इम्प्रूवमेंट कर देने से सर्जरी में उनकी जो लाइफ है वो कितनी अच्छी हो जाती है, फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरे के एक्सपीरियंस से हम शेयर करते हैं। वहीं इस सम्मेलन में एसएन मेडिकल कॉलेज अस्थि रोग विभाग डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर ब्रजेश शर्मा, डॉक्टर रजत कपूर, डॉक्टर के एस दिनकर, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर हेमंत चाहर, डॉक्टर मयूर गुप्ता एवं डॉक्टर यशवर्धन शर्मा ने भी अपना योगदान दिया। इसी क्रम में इस एक दिवसीय कोर्स के लिए आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के पदाधिकारी मौजूद रहे।